हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जो कि है नंबर सीरीज। एज यू नो कि नंबर सीरीज आपका एसएससी सीजीएल सीपीओ क्लर्क से लेकर पीओ लेवल तक, एलआईसी असिस्टेंट से लेकर आरबीआई ग्रेड बी में हर जगह नंबर सीरीज पूछा जाता है। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कराऊंगी और फिर हम लेंगे कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिए इस चीज़ के। मैंने यहाँ पर आपको अब नंबर सीरीज सिखाना है, आपने कैसे अप्रोच करनी है, कैसे आपको करना है, वो सब मुझे आपको इसमें समझाना है। तो नंबर सीरीज आपकी 6 मार्क्स की पेपर में आएगी, ठीक है। अब आपने इसमें कैसे अप्रोच लगानी है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दूं नंबर सीरीज़ के। अब नंबर सीरीज़ के लिए आपको नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। आपको सीरीज़ दे दी जाती है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं उस सीरीज़ में कि उसमें क्या लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि उसमें कैसे कैसे आपको अप्रोच लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है आपकी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, से लेकर आगे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 0 नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अगर हम होल नंबर की बात करें, जो पूर्ण संख्या होती हैं आपकी, होल नंबर क्या होते हैं, जब आपका 0 भी जुड़ जाए आपके नेचुरल नंबर्स के साथ, उसको बोलते हैं हम होल नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, आगे जहाँ तक भी ये सीरीज जाएगी वो है आपकी पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर्स। अब आपका तीसरे नंबर पे है इवन नंबर्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो डिवाइड हो जाते हैं 2 से, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2n की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ n क्या है, आपका कोई भी नंबर, ठीक है। जैसे कि 2n में आपका 2 × 1 ले लो, 2 × 2 ले लो, 2 × 3 ले लो, तो उस तरीके से आपका इवन नंबर आपका बन जाएगा। फिर आपका ऑड नंबर, जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या आपकी क्या होती है, वो संख्या, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स और यू कैन से विषम संख्या, ठीक है। अब हम इसको किस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, इसको हम डिनोट कर सकते हैं 2n+1 में, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इवन नंबर का। मैंने आपको बताया 2n में लिख सकते हैं आप इसको, 2n, n की जगह आप कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, 2 × 1 क्या आ गया आपका 2, 2 की जगह आप 3 पुट, n की जगह 3 पुट करके देखिए ये आ गया 6, 2 × 3 = 6, इस तरीके से ये आपके बन गए इवन नंबर्स। अगर आपको चेक करना है ऑड नंबर के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया, 2n+1 आपका ऑड हो जाएगा। तो ये आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर 2 × 2 ले लेते हैं पहले हम, ठीक है, प्लस 1 कितना हो गया, 2 × 2 = 4, प्लस 1 = 5, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए एन में आपका, 6 ले लेते हैं चलो हम, 2 × 6 + 1 कितना हो गया, 6 × 6 = 12, 6 × 2 = 12, प्लस 1 कितना हो गया, 13, जो कि ऑड नंबर है, ठीक है। फिर आपका एक नंबर है आपका आ जाता है प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट अब क्या है, प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, ठीक है। जो भी नंबर्स दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है, द नंबर्स दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। जिन भी संख्या के, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय इट्सेल्फ एंड 1, ओके। यहाँ पर कुछ मैंने प्राइम नंबर्स की एग्जांपल ले ली हैं, 3, 7, 13 और 11। 3 का देख लीजिए अब आप, अगर हम 3 को लिखते हैं तो 3 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, 3 या तो 3 से डिविजिबल है या फिर ये 1 से डिविजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से 7 को ले लेंगे, या तो ये 7 से डिविजिबल है या ये 1 से डिविजिबल है। 13 को लेते हैं, 13 से डिविजिबल है और ये 1 से डिविजिबल है। जिन भी संख्याओं के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसी का उल्टा हो जाता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं आपके, इसको बोला जाता है भाज्य संख्या, ठीक है। इन संख्याओं के एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो होने चाहिए,
ठीक है, द नंबर्स हैविंग एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो दो से ज़्यादा ठीक है संख्या से कटती है, जो वैल्यू जो है दो से ज़्यादा संख्या से कटती है, या फिर जिनके ठीक है जिसके तीन गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 6, 15, 9, 10। अब हम 10 का एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, हम 8 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपका, या फिर 6 का ले लेते हैं। 6 के कितने हैं जो फैक्टर्स बनेंगे, 6 खुद बनेगा एक तो, ठीक है, एक ही डिविजिबल होगा 1 से एक, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो इसके कितने 3 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम कॉम्पोजिट नंबर्स। एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, और 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं वो होते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर्स। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों के मन में अराइज करता है कि 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप ये नंबर सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो इसमें कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर डिफरेंस 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, इस तरीके से आता है, तो आप कई बार उसमें क्या करते हो, प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट फिट करके आ जाते हो, और जो कि आपका गलत हो जाता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, 1 जो है इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसका रीज़न क्या है आपका, वो ये है कि हमने क्या कहा था, जो प्राइम नंबर होंगे उसके हमेशा दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक तो एक और एक वो नंबर खुद। अब जो ये 1 है इसका कितने फैक्टर्स हैं, एक ही फैक्टर है, ठीक है, 1 का 1 ही फैक्टर है, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी 1, ठीक है। अब आपने जब नंबर सीरीज़ को अप्रोच करना है, पहली चीज़ आपने क्या देखनी है, मान लो कोई भी आपको सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, 2, 4, 7, 12। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे, 2-3 चीज़ें मैं आपको इसमें बेसिक चीज़ बता देती हूँ। जब भी आपकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से इंक्रीज़ करे, 2, 4, 6, 8, 10, तो आप समझ जाइए कि आपका एडिशन लगा हुआ है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से इंक्रीज़ कर जाए, 2, 4, 10, ठीक है, 40, 120, और ये आ जाएगा आपका 360। जब भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वैल्यू इंक्रीज़ करे राइट की तरफ में, तो आप समझ जाइए इसमें क्या लगी हुई है, मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब है, जब आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो आप डिफरेंस नहीं लेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ज़रूर ही इसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा होगा। लेकिन अगर आपका जो वैल्यू है वो बहुत ही कम तरीके से, बहुत ही कम तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही होगी, इसका मतलब है आपने इसमें डिफरेंस फाइंड करके देख लेना इन वैल्यूज़ का, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें आपको अप्रोच कैसे लगानी है, जब भी आपकी कोई नंबर सीरीज़ आपको दे रखी होती है, जब भी कोई आपको नंबर सीरीज़ दे रखी होती है, सबसे पहले आपको क्या देखना है उसमें, कि कहीं प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा हुआ इसमें, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे, ठीक है। फिर जब आप प्राइम नंबर का चेक करेंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा होगा, फिर आप चेक करेंगे क्या इसमें इवन ऑड नंबर का तो कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ। अगर आप इवन ऑड नंबर्स का भी नहीं लगता, तो फिर देखेंगे स्क्वायर का तो जो है आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ। फॉर एग्जांपल स्क्वायर में जैसे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से तो वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही, नहीं कर रही। हो सकता है उसमें क्यूब का कॉन्सेप्ट लगा हो, क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरीके से वैल्यू जो है आपकी इंक्रीज़ कर रही हो। हो सकता है मल्टीपल के उसमें इंक्रीज़ कर रही हो, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से इंक्रीज़ कर रही हो, या फिर डिवीज़न। अब हम ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे आप, एक बार मैं आपको हर एक इसका एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास एक नंबर सीरीज़ दे रखी है, 2, 4, 7, 12। सबसे पहले आपने क्या देख ली इसमें, कि ये जो नंबर की सीरीज़ है ये इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली बात है हम इसमें क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो हमने अब डिफरेंस लेके देख लेना है इसका, 2, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2, 7 माइनस 4 3, ठीक है, 7 और 12 में से आपने 7 घटाया, कितना हो गया आपका 5। अब आपने क्या देखा कि ये जो सीरीज़ है ये प्राइम नंबर की सीरीज़ बन रही है, 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो अब आपने अगला नंबर क्या लेना है, अगला नंबर प्राइम कौन सा होता है आपका,
वो होता है आपका 5 के बाद 7, तो आपने फॉर श्योर यहाँ पर प्लस 7 लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। 19 आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर की सीरीज जो है हमारी चल रही है। सबसे पहला प्राइम नंबर आपका 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अगर आपको मैं बताऊं कि जो आपका सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, अगर कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है आपका 2, ठीक है। फिर हम चलते हैं एक कॉन्सेप्ट पे, इवन ऑड नंबर पे। एक आपको सीरीज दे दी जाती है 7, 8, 11, 16, 23। ये बहुत ही अच्छी सीरीज है। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, कि मैं क्यों आपको मैंने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बताया और क्यों मैंने वन का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया। चलो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप, 8 और 7 का डिफरेंस कितना है, +1, ठीक है। 7 + 1 = 8। फिर आप 8 और 11 का डिफरेंस देख लीजिए, +3, ठीक है। 8 में 3 ऐड करोगे तो आपका 11 बनता है। 11 और 16 में आप डिफरेंस देख लीजिए अपना क्या बनता है, 16 - 11 कितना, +5, ठीक है। 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16 बनता है। 16 में कितना ऐड करेंगे कि 23 बन जाए आपका, 16 में हम ऐड करेंगे +7, ठीक है। अब आपकी ये सीरीज़ हो गई है इस तरीके से। अब आपको क्या मैंने बताया था कि कई बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगा के आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखा उन्होंने 1 है यार, 3 भी है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो अगला नंबर वो जो है लगाने की कोशिश क्या करेंगे, वो लगाएंगे +11, ठीक है। और +11 ऐड करते ही उनका आंसर गलत आ जाएगा, और भगवान ना करे +11 करके इस ऑप्शंस में भी कोई दे रखा होगा, वो ऑप्शन में मार्क करके अपना गलत क्वेश्चन करके आ जाएंगे। लेकिन अब आपने, मैंने आपको क्या बताया था, 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा यहाँ पर, 1, 3, 5, 7, यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा आपका ऑड नंबर वाला। मतलब कि अब 23 में आपको अगला ऑड नंबर जो ऐड करना है, 7 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आता है आपका, 9, तो 23 के बाद 9 जो है आपका ऐड होगा, 23 में 9 ऐड करें आप, और फिर अब अपना आंसर निकालिए, ठीक है। ये आपका 32 आंसर आ गया, करके देख लीजिए, 9, 10, 11, 12, 32, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है। अब आपने कॉन्सेप्ट देखना है स्क्वायर का, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 4, 8, 17, 33, ठीक है। अब 4, 8, 17, 33 अगर आपने निकालना है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने ये देख ली जो सीरीज़ है वो आपकी एकदम हाइपर नहीं है, एकदम से बढ़ नहीं रही, तो ऑब्वियस सी बात है हम डिफरेंस लेके देखेंगे इन सीरीज़ में। तो 4 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ, 8, 4, ठीक है। 8 में से 4 गए 4, 17 में से 8 गए आपका कितना आता है बताइए, 8 में हम कितना ऐड करेंगे, 17 आ जाए आपका, 8 में हम ऐड करेंगे +9, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 17। अब 17 में कितना ऐड करें कि 33 आ जाए, ठीक है, बताइए 17 में कितना ऐड होगा कि 33 आ जाए, 17 में ऐड होगा आपका 16, फिर जाके आपका आएगा 33, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यार अब आगे क्या आएगा, अब कई लोग क्या करेंगे, कई लोग सोचेंगे भाई छोड़ दें इसको, ठीक है, कईयों के मन में आएगा चलो यार डबल डिफरेंस लेके देख लेते हैं, डबल डिफरेंस ले लेंगे कई लोग। लेकिन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये 4 है, यहाँ 9 है, ये 16 है, मतलब जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ऑब्वियस ही बात है 5 का स्क्वायर बनेगा, जो कि होगा 25, तो +25 होगा आगे ऐड, जो कि होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। +25 ऐड करके आपका कितना आंसर आएगा, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 2, 2, 3, 4, तो ये 58, ये आंसर आ जाएगा आपका 58, ओके। कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसी तरीके से मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होता है। मल्टीपल का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी आगे, मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगी, तो और ये है आपका, मैंने एक डिविजिबल का, डिवाइड का कॉन्सेप्ट ले लिया है। अब आपने क्या देखना है यहाँ पर, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, अब आपने क्या देखा,
कि यार ये तो डिक्रीज़ होती जा रही है, ऊपर जितनी भी हमने एग्जांपल्स दी हैं उसमें वैल्यू आपकी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 36, 18, 9 वैल्यू जो है डिक्रीज़ करती जा रही है। अब डिक्रीज़ में आप क्या करेंगे, पहली चीज़ तो आपने इसमें क्या देखा कि यार इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं कर रही वैल्यू, ठीक है, तो हम डिफरेंस भी लेके देख सकते हैं। डिफरेंस नहीं तो आपने एक चीज़ इसमें बहुत अच्छे से देखी होगी, 9 का क्या मल्टीपल नहीं है 18, 9 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें क्या 18 नहीं आएगा, 18 की टेबल जिसको आती होगी उसने देखा होगा अगर 18 में 2 डिवाइड कर दें तो क्या 36 नहीं बनता, बनता है ना। इसी तरीके से या तो आप इस लेफ्ट से राइट से लेकर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लो या फिर लेफ्ट से लेकर राइट में डिवाइड कर लो, कहने का मतलब है 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाता है आपका 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाता है आपका 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाता है 4.5, और इसी तरीके से आपकी आगे आगे सीरीज चलेगी, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, या फिर इधर से आप इधर आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। अब हमने एक आपको एग्जांपल ले लेना है, मैंने आपका अल्टरनेट सीरीज़ का, अल्टरनेट सीरीज़ का मैं एग्जांपल आपके लिए लेती हूँ। ये देखिए, अगर जैसे आपको कोई भी सीरीज़ दे दी जाए 2, 3, 4, 6, 8, 12, ठीक है, सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, यार हम डिफरेंस लेके देखते हैं इसमें, क्या पता डिफरेंस से हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है, हम लेते हैं चलो डिफरेंस, इसमें 2 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, यार बात बनी नहीं कुछ, है ना, कैसे अब लें, आगे देखते हैं, 12 माइनस 8 कीजिए ये हो गया 4, फिर एक तरफ को हमें लगता है यार क्या पता 1 1 1 into 2 2 2 हो जाए, ठीक है, 2 into 2 4, तो यहाँ पर भी 4 4 का हो जाए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी आ जाए आपका 16, ठीक है, अगर हम 4 ही ऐड करते हैं इसमें भी 12 13 14 15 16, तो ये आ गया आपका 16, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या ये जो 16 हमने मार्क किया है डिफरेंस का लेके, जो हमारा दिमाग चला है, क्या ये ठीक है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, अगर हम इसको अगर इस तरीके से एक बच्चा अप्रोच करता है दूसरा बच्चे को, क्या दिमाग में हिट करेगा यार कि ये ऑल्टरनेट सीरीज भी तो हमारी बन रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, क्या 4 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 into 2 क्या 4 नहीं बनता, 4 into 2 क्या 8 नहीं बनता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ हमने देखा 3 into 2 ये 6 है, 6 into 2 12 है, ठीक है। अब क्या क्या होगा यहाँ पर, हम 8 into 2 अगर करके देखते हैं, इंटू टू करते हैं तो आपका 16 जो है वैल्यू आ जाएगी। अब इससे अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 12 into 2 करके देखते हैं 24, ठीक है, हमने देखा 16 जो है आपको अल्टरनेट सीरीज से भी आ गया। लेकिन एक मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप ये नहीं सोचते और ऐसे कर दें कि 1 1 into 2 2 2 into 2 4 4 into 2 अगर 8 8 करते हैं तो यहाँ पर अगर प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, मान लो आपने 4 into 2 करा 8 और फिर 8, तो ये कॉन्सेप्ट ही आपका ठीक है, और अगर आप इसको अल्टरनेट सीरीज से चलाएं तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका ठीक होगा बिल्कुल, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताती हूँ कि कैसे कैसे नंबर सीरीज़ के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे CGL में। कॉपी पेन उठा लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस स्लाइड को, इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगी, अगली वीडियो जो मैं लेके आऊँगी उस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी इस तरीके की, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन उठा लीजिए जल्दी से अपना, तो चलो हम कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें यहाँ पर हमने ले लिया 2, 4, 8, 14, 22, आगे आपका क्या आएगा, जल्दी जल्दी करिए और मुझे बताइए कि आगे आंसर क्या आएगा इसका, 2, 4, 8, 14, 22, पहले आपने क्या देखना है इसमें,
आपके पास 2 सेकंड्स का, 3 मिनट, मैं आपको 2-3 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, पहले आप खुद से ये सीरीज सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। 2, 4, 8, 14, 22 आंसर निकालिए जल्दी से। चलो फ्रेंड्स, जिन्होंने आंसर निकाल लिया वेल एंड गुड, जो नहीं निकाल पाए उनके लिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सीरीज़ क्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब है आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है, हमने डिफरेंस इसमें देखना है। 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2, प्लस कितना है कि 4 आ जाए, प्लस 2, ठीक है। 4 में कितना ऐड करें कि 8 आ जाए, 4। 8 में कितना ऐड करें कि 14 आ जाए, ये आपका ऐड होगा 6, ठीक है, एडिशन हो रही है आपकी। 14 में हम कितना ऐड करें कि 22 आपका आ जाए, 14 में आपका ऐड होगा 8, ठीक है, कि आपका 22 आ जाए। अब 22 में कितना ऐड होगा कि जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका आ जाए, जल्दी बताइए। 22 में कितना ऐड होगा कि आपका नेक्स्ट नंबर आ जाए। आपको कौन सी सीरीज इसमें दिखाई दे रही है ये बताओ, 2, 4, 6, 8 क्या है ये, आपको कौन सी सीरीज दिखाई दे रही है, क्या ये सीरीज आपको प्राइम नंबर की दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, किस चीज़ की सीरीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, 2, 4, 6, 8 बताइए जल्दी से। जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है मेरे विद्वान बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि 2-2 का जो है इसमें एडिशन हो रहा है, जो आपकी यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है, इवन नंबर की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 8 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा है, 8 में प्लस 2 कर दो, ये बन जाएगा 10, और यहाँ पर प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा, 2, 32 आंसर होगा आपका, 32, ठीक है, ये आपका इवन नंबर की सीरीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अब चलो एक क्वेश्चन अब कर लेते हैं, एक और जल्दी से झटपट। चलो एक आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और कीजिए उसको सॉल्व। 756, 224, 448 जल्दी से कीजिए, क्या आंसर होने वाला है इसका। 756, 224, 448 इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से निकालिए आप। 2 सेकंड्स का मैं आपको टाइम देती हूँ, जल्दी से आप कीजिए इसको, आंसर क्या होगा आपका। दो सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, अब तक जिसको स्ट्राइक करना होगा उसको एकदम से स्ट्राइक हो गया होगा कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे इसमें डिफरेंस लेना है या मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने क्या देखा है, जो सीरीज़ है ये एकदम से आपका जंप ले रही है ना, 7 के बाद सीधा 56 के बाद सीधा 224 के बाद सीधा 448, जो आपकी सीरीज़ है वो जंप कर रही है एकदम से, है ना। एक मैं आपको और चीज़ बता दूँ, जब भी आपको कोई सीरीज़ दे रखी होती है आपकी, आपको कभी भी स्टार्टिंग से नहीं देखना, आपको कोई भी बीच का नंबर उठा लेना है, फॉर एग्जांपल दिस और दिस, और उसके बाद ही आपने सीरीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे से कभी मत उठाइए, हमेशा बीच से उठाइए अपनी सीरीज़ को, ठीक है। अब आपने क्या देखा इसमें कि मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, पक्का है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से सीरीज़ आपकी इंक्रीज़ कर रही है, पर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं जो 448 है ये 224 का डबल है, ठीक है, इंटू 2, ये आपने देख लिया। अब आपने क्या देखा, 56 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 224 आ जाए, 56 का कितना मल्टीप्लाई करें कि 224 आ जाए। आपने 7 में कितना मल्टीप्लाई करना है कि 56 आ जाए, 7, 8 जा 56 होता है, ठीक है, 7, 8 जा 56। अब 56 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 224 आ जाए, 6, 4 जा 24, ठीक है, ये इसमें देखिए 6 into 4 24, यहाँ पे 4 लास्ट डिजिट है, तो शायद हमारा 4 का ये मल्टीपल जो है होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। 56 into 4, 4, 6 जा 24, 4, 5 जा 20, 21, 22, बिल्कुल सही बैठ गया हमारा, इंटू 4 आपका है, जब जाके बनाया 224, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, तो इस तरीके से आपकी सीरीज़ चल रही है, तो डैश इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 1 into 2 होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, 1 into 2, 2 है आपका, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्या आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए मेरे को। यहाँ सिर्फ होना चाहिए आपका 449, ठीक है, क्यों,
एडिशन होगी वन की, 449 आया वन, तो इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है, वन इंटू टू टू, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, ठीक है, ये है आपकी मल्टीप्लाई वाली सीरीज, ठीक है। जब भी आपकी वैल्यूज जो है एकदम झट से इंक्रीज करें तो आप समझ जाइए आपका कहाँ लग क्या लग रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन लग रहा है। अब आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, 8, 9, 20, 63, 256, आगे क्या आने वाला है आपका, जल्दी से बताइए इसको सॉल्व करके, 2 सेकंड्स का टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या देखा कि सीरीज़ को चेक कर लेना है अपना, हमें डिफरेंस लेना है या मल्टीप्लीकेशन करनी है, इस पर 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 20 है, 20 के बाद 63 है, 63 के बाद 256, सीधा 256 से पे जंप हम कर गए हैं। आपको डिफरेंस लेना है तो आप डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि आपने लास्ट में जो डिजिट देखी वो एकदम से इंक्रीज हो रही है, एकदम से बढ़ रही है, तो हम मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैसे आपने देखा, मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट डिजिट से कभी चेक मत कीजिए, बीच में चेक कीजिए आप कितना बढ़ रहा है, ये बताइए ज़रा, 9 से अगर 20 आपको बनाना है या फिर 20 से 60 आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, 20 में कितना ऐड करें कि 60 आ जाए, पहले ये बताइए जल्दी से, 20 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए आपका, जल्दी बताइए, 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया 60, अगर 6 फिर इसमें कितना ऐड करेंगे कि 63 हो जाए, प्लस 3, ठीक है, तो 20 में काट देती हूँ फिर ना कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, 63 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 256 आ जाए, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये जो 256 है 63 का चार गुना है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो 63 इंटू 4 कीजिए आप, 63 इंटू 4 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 63 इंटू 4 आपका आ जाएगा 252, ठीक है, पर आंसर क्या है आपका 256, 256 लाने के लिए आपको 252 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 256 आ जाए, 4 की एडिशन करनी पड़ेगी कि 256 आ जाए, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं सीरीज फॉर्म होते हुए एक दिख रही है कि इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, ऑब्वियस सी बात है सीरीज इस तरीके से बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट में बढ़ रही है सीरीज, ठीक है। अब हम 19 से अगर 20 लाना चाहें तो 19 से 20 कैसा आएगा आपका, 19 इंटू 2, ठीक है, कितना होता है 18, प्लस में अगर 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। अब आपको बिल्कुल माइंड में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 3 इंटू 4 प्लस 4, आगे का आप चेक कर सकते हैं, इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब आपने सीधा, अगर आपको 2 भी मिल जाए ना, सीधा आपने टाइम वेस्ट नहीं करना आगे का चेक करने में, आपको सीधा इंटू 5 प्लस 5 लगा देना है, इंटू 5 प्लस 5, ठीक है, 256 इंटू 5 आपका कितना हो गया, 5, 6, 30, 8, 1, 2, 8, 0, ठीक है, अब 1, 2, 8, 0 प्लस में 5 कितना हो गया, 1, 2, 8, 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 1, 2, 8, 5। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना, उस एग्जांपल में देखते हैं किस तरीके की अप्रोच हमारी लगेगी। चलो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं, 7, 15, 31, 63, 2 सेकंड्स का टाइम लीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, 2 सेकंड्स का टाइम आपके पास बहुत अच्छे से है, क्वेश्चन को करिए जल्दी से, 7, 15, 31, 63 कीजिए। पहली चीज आपको क्या दिख रही है इसमें, हमारी जो सीरीज़ है वो बहुत ही जल्दी से इंक्रीज़ नहीं कर रही है ना,
अब जल्दी से इंक्रीज नहीं कर रही तो हम क्या लेंगे इसमें डिफरेंस, डिफरेंस लेके देखते हैं हम कितना आ रहा है हमारा। लीजिए जल्दी से डिफरेंस लीजिए आप, 31 में से 15 आपका गया, कितना हो गया? आपका 16 का डिफरेंस, ठीक है। 15 माइनस 7 कितना हो गया आपका? 15 माइनस 7, 7 2 14 होता है, प्लस 1 तो ये आपका 8, 8 का डिफरेंस। 31 और 63 में आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा? 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 3 3, ठीक है। अब आपने क्या देखा इसमें, आंसर क्या आ रहा है आपका? 8 16 32। अब कहीं ना कहीं आपको हिट कर रहा होगा दिमाग में कि 8 का जो ये मल्टीपल है वो 16 है, अगर 8 में 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाएगा, 16 में 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 32 आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या किया, 8 2 16, 16 into 2 32। अब ऑब्वियस सी बात है into 2 हो रहा है तो 32 में भी into 2 ही करेंगे हम, ठीक है। 32 into 2 कितना होता है बताइए, कर लीजिए साथ में, 64, ठीक है, into 2 64। वैसे यहाँ पर इस चीज़ को करने की ना ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, आपको माइंड में कैलकुलेट करना है ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशंस। 64 है आपका, 32 into 2 64, राइट। अब आपको क्या करना है, 63 में 64 का एडिशन कर देना है, 63 में 64 का एडिशन करिए, 127 आपका आंसर आना चाहिए, 127, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट तो हो गया ये इसमें, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप क्या लगा सकते हैं। अब आपने क्या किया, सबसे पहले इसका डिफरेंस लिया, डिफरेंस देख के आपने देखा कि इस तरीके से हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको और क्या दिखाई दे रही है इसमें, एक और चीज़ आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा इसमें बहुत साफ सीधा सीधा, एक कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा और दिख रहा होगा इसमें, वो क्या, अगर हम 7 into 2 करें कितना होता है, 14, ठीक है, 14 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 15, राइट। 15 into 2 करते हैं तो कितना होता है आपका 30, आंसर क्या दे रखा है, 31 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 31। 31 into 2 कितना होता है आपका, 31 into 2 कीजिए, 2 1 2 2 3 6, 62 प्लस 1 किया है तो आपका 63 आ गया। आपको कहीं ना कहीं एक पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1, तो 63 into 2 plus 1 करना है आपने, 63 into 2 कीजिए, ठीक है, 2 3 6 2 6 12 126 plus 1 कीजिए आप, 127 इज द आंसर। एंड हेयर इज द आंसर, आपने यहाँ पर क्या किया, डबल डिफरेंस, पहले डिफरेंस लिया, डिफरेंस को आपने मल्टीप्लाई किया आपने, पर इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है सीधा, into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 and into 2 plus 1, एंड द यू विल गेट द आंसर दैट इज 63 into 2 plus 1, द आंसर इज 187, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग सीरीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि कैसे हो रहा है नेचुरल नंबर से, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक बहुत ही अच्छा है प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, ठीक है। आपके पास एक सीरीज है 11 20 30 41, अब आपने नेक्स्ट सीरीज निकालनी है, जल्दी से निकालिए 2 सेकंड्स के अंदर, क्या आंसर होना चाहिए आपका। ये आपकी सीरीज है 11 20 30 41, आंसर निकालिए बहुत जल्दी से। बच्चों स्ट्राइक कर गया होगा आपके दिमाग में कैसे निकालना है आपको, ठीक है, अब तक सबके दिमाग में स्ट्राइक कर चुका होगा ये। पहले हमने देखना है क्या सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल भी नहीं, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द डिफरेंस, राइट, वी डू नॉट हैव टू मल्टीप्लाई इट, वी हैव टू टेक अ डिफरेंस। व्हेन वी विल टेक द डिफरेंस, व्हाट वी विल सी, 20 माइनस 11 इज, विल गेट +9, 11 प्लस 9 इज 20, देन हाउ मच वी विल ऐड इन 20, दैट विल गेट 30, विल ऐड +10 इन 20, देन वी विल गेट 30, हाउ मच वी विल ऐड इन 30, दैट विल गेट 41, वी विल ऐड 11 इन 30, देन वी विल गेट 41। नाउ हेयर वी कैन सी कि
जो सीरीज़ है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है आपकी, 9, 10, 11, मतलब एक एक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड जो आपने नेक्स्ट जो आपका टर्म होगी उसमें क्या होना है, सीधा 10, 9, 10, 11 तो प्लस 12 आपको कर देना है और यू विल गेट दी आंसर आफ्टर एडिंग 12। व्हेन यू एड 12 इन 41 आंसर विल बी 53 एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, आपको डिफरेंस लेके देख लेना है एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। आई होप जो मैंने इतने क्वेश्चंस आपको ऊपर से नीचे तक कराए हैं, सबका जो अप्रोच है वो एक अलग अप्रोच है, ठीक है। अब और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स क्विकली टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7-11, जल्दी जल्दी लिख दीजिए अपनी कॉपी में और सॉल्व कर दीजिए। आप दिमाग में ही आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इसमें क्या अप्रोच आपकी लग रही है। Solve it quickly, fast. So 7, 11, 19 to 35. So now here you can see your series is increasing, but इतना ऐसे increase नहीं कर रही that you will apply the multiplication method. So obvious सी बात है, when you are not applying the multiplication method, you will take the difference. You have to take the difference. And when you will take the difference, what you will see is 7 plus how much is 11? 7 plus 4 is 11. 11 plus how much is 19? 11 plus 8 is 19. 19 plus how much is 35? 19 plus 16 is 35. So, कुछ लग रहा है आपको, कुछ स्ट्राइक किया आपके माइंड में कि हाँ यार ये सीरीज इस तरीके से चल रही है, ये पैटर्न इस तरीके से आपका चल रहा है। कुछ आपको स्ट्राइक किया होगा कि ये देखिए यहाँ पर 4 है या 8 है या 16 है, ठीक है, 4, 8, 16। सो वट वी कैन डू इज, वट वी सी इज 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, राइट। काम बन गया आपका, into 2 is 32, इट मीन्स यू हैव टू एड 32 इन दिस, ठीक है। 35 + 32 = 5 + 2 = 7, 3, 3 = 67, 67 इज योर आंसर, ठीक है। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। सो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन नाउ, द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सीरीज ऑफ दिस वीडियो, नॉट द लास्ट सीरीज, ओके। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, आई विल टेक एन एग्जाम्पल, राइट इन योर कॉपीज 2, 3, 11, 38 एंड लाइक यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर दैट विल कम इन द सीरीज। सो सॉल्व इट क्विकली। 2, 3, 11, 38 एंड यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर आपको फाइंड करना है कि क्या आएगा, 2, 3, 11, ठीक है, 38 एंड देन द नेक्स्ट नंबर। अब आप इस सीरीज में क्या देखेंगे, इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज़ इंक्रीजिंग। क्या ये इतना तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन लगा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 × 1 + 1 = 3, ठीक है, 3 में कितना हम मल्टीप्लाई करें कि 11 आ जाए। मैंने आपको बताया था बीच से आपको देखना है, ठीक है, आपको हमेशा मिडल से देखना है, तो 2 से मत देखिए, आप 3 से देखिए, 3 × 11, 3, 3 = 9, ठीक है, 10, 11, या तो हम इस तरीके से कर दें, ये ऐसे भी हो सकता है 3 × 3, 9 + 2, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या देखा, 3, 11 में क्या हमने ऐड वो करना मल्टीप्लाई, 11 × 3 = 33 × 3, प्लस में कितना हो जाएगा आपका, +5, ठीक है। 2 में क्या यही चीज़ फॉलो हो रही है आपकी, क्या आपका मल्टीप्लिकेशन पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, क्या इंटू 3 प्लस करके कुछ आपका आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये आपका जो पैटर्न है ये फॉलो नहीं करेगा। What else then? What else? So let's take the difference now. After taking the difference, आपको शायद हमें कुछ फंडा क्लियर हो जाए इसका, ठीक है। 3, 11, 38, मैंने आपको बोला था पीछे से चेक करिए, इन दोनों का डिफरेंस दीजिए, 38 और 11, 38 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, 8 - 1 = 7, 3 - 1 = 2, 27, ठीक है। 11 और 3, 11 में से 3 माइनस करिए जल्दी से,
11 में से 3 माइनस कीजिए, 11 में से 3, 3 में क्या ऐड करें कि 11 आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 8, ठीक है, 8 आ गया है। 2 और 3 कितना, 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3। कुछ आपको स्ट्राइक कर रहा है कि हाँ यार ये होना चाहिए, थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या हो सकता है आंसर? अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हम इसमें डबल डिफरेंस लें? अब 1 और 8 का अगर हम फिर से डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना आ जाता है, 8 माइनस 1 7, 27 माइनस 8 करके देख लीजिए, ये आपका शायद 19 के करीब आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है डबल डिफरेंस कॉन्सेप्ट तो इसमें भी नहीं लग रहा, ठीक है, नहीं लग रहा। तो अब आगे क्या लगेगा, आगे क्या लगेगा, लेट्स चेक, क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है? ये नंबर्स किसी के स्क्वायर हैं? 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये किसी का क्यूब बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, 1, ठीक है, 1 का क्यूब कितना है, 1। ये 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब होगा, 2 टू जब 4 टू जा 8, 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, ठीक है, 3 का क्यूब। सो मतलब हमें अपना पैटर्न मिल गया है, हमें अपने अप्रोच मिल गई है, हमें क्या करना है, हमें क्यूब लेना है। इट मींस 1 2 3, नाउ यू हैव टू टेक द क्यूब ऑफ 4 एंड दैट इज 4 का क्यूब इज 4 4 जा 16 16 4 जा 64, यू हैव टू ऐड 64 हेयर, राइट। तो आपकी क्यूब की सीरीज जो है ये फॉर्म हो रही है, 64 प्लस 38 इज 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10, सो द आंसर इज 102। सो आपकी यहाँ पर क्यूब वाली सीरीज जो है वो आपकी फॉलो हुई है, ठीक है। सो ये थी हमारी सीरीज कुछ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा जो है आपका नंबर सीरीज का पैटर्न करने वाले हैं, और सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता चल गए होंगे, होल नंबर्स क्या होते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके, 2n की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके, 2n+1 इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। इवन ऑड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, सारे मैंने आपको इसमें जितने भी बन सकते हैं पॉसिबल चीज वो मैंने आपको बेसिक हिंट दे दिए हैं, बता दिया है आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। सीरीज़ बहुत ही जल्दी से इंक्रीज़ हो, इट मींस मतलब बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, अगर आपको लग रहा है, इट मींस इट विल टेक मल्टीप्लिकेशन एंड इफ़ द डिफरेंस यू सी इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही, दैट मींस यू हैव टू टेक द डिफरेंस, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ उसमें यूज़ हो रही होगी, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं, इसमें ये सारे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। बात करी जाए बैंकिंग की, बैंकिंग के लिए भी बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे बैंकिंग में भी, लेकिन मैं आपको बताऊं नंबर सीरीज का जो बैंकिंग का जो आपका पैटर्न होता है दैट इज़ अ बिट डिफिकल्ट देन योर एसएससी एग्जाम्स, राइट। सो बैंकिंग के लिए हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ होती हैं, वहाँ और भी आपका कैलकुलेटिव हो जाता है थोड़ा सा जो नंबर सीरीज का पार्ट होता है। सो टिल देन गुड बाय, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए और भी सारी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ, टेक केयर, गुड लक, कीप प्रैक्टिसिंग।